बिल्कुल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्रिडिज की 67E ऑक्शन को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि डीडी फ्रिडिज की ओर से 67E ऑक्शन की तारीख आज ही तय की गई थी, 13 मार्च 2023 को दोपहर 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद कभी भी ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस ई ऑक्शन के चलते होगा क्या, आपके लिए नए चैनल्स को मौका दिया जाएगा, वो भी MPEG2 स्लॉट्स के लिए। कुल मिलाकर 65 या 67 के आसपास जो है आपको MPG2 में स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खासकर प्राइवेट चैनल्स को लेकर ही बात की जा रही है, यहाँ पर दूरदर्शन के चैनल्स को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पर केवल उन्हीं चैनल्स को हम बात करते हैं लेकर, क्योंकि प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के हैं जिनको डीडी फ्रिडिज ई ऑप्शन के माध्यम से मौका देता है हिस्सा बनने के लिए। तो अब इस बार कौन से चैनल्स आपके लिए डीडी फ्रिडिज पर वापसी लौट सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन से आपके लिए नए चैनल शामिल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के आप तक सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए, जानकारी जैसे कि हमारे पास पहुंची है, तो 67E ऑक्शन को कई राउंड्स में किया जाएगा। सबसे पहले कुछ कैटेगरीज में जैसे कि हिंदी मूवीज की, हिंदी एंटरटेनमेंट की, उनको सबसे पहले मौका मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है ये राउंड के हिसाब से मौका देते जाएंगे। जो भी चैनल अच्छी खासी बोली लगाता जाएगा वो डीडी फ्रिडिज का हिस्सा बनता जाएगा। लेकिन अब बात तो वही आ गई कि कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो कि एक बार फिर से आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो अनगिनत चैनल्स ऐसे हैं जो कि डीडी फ्रिडिज पर एक बार फिर से आपको देखने को आगे मिलने वाले हैं, जो कि अधिकतर न्यूज चैनल्स तो आप मान ही लीजिए कि सभी के सभी वापसी लौटेंगे। उनमें से ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो डीडी फ्रिडिज को बाहर होते हुए दिखाई देगा। आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, इन सभी चैनल्स को एक बार फिर से आप अपने डीडी फ्रिडिज पर देख पाएंगे। बाकी अगर हम एंटरटेनमेंट चैनल्स के बारे में बात करें तो दंगल हो गया, दंगल 2 हो गया, और आपका शिमारू टीवी हो गया, शिमारू उमंग हो गया, ये भी डीडी फ्रिडिज पर बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। इनका भी डीडी फ्रिडिज से बाहर होने का कोई भी इरादा नजर नहीं आ रहा है। वही म्यूजिक में भी बात करें तो बी फॉर यू म्यूजिक हो गया, बी फॉर यू मूवीज हो गया, और इसके अलावा आपके बहुत चैनल चल रहे हैं जैसे कि बी फॉर यू कड़क हो गया, बी फॉर यू भोजपुरी हो गया, और जी बायोस्कोप हो गया, फिल्मची हो गया, और आपका यहाँ पर जो है बहुत चैनल्स है दोस्तों। मैं एक एक करके अब बताने लगूँ तो बहुत लंबी लिस्ट वाकई में हो जाएगी। तो ऐसे अनगिनत चैनल्स है दो कि आपको डीडी फ्रिडिज पर एक बार फिर से कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। इनका डीडी फ्रिडिज से बनाने का कोई भी जो है फिलहाल इरादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे चैनल्स के बारे में जो कि डीडी फ्रिडिज पर शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे कि आपका गोल्ड माइंस मूवीज, ये एक नया हिंदी फिल्मों का चैनल एक तरीके से लॉन्च हो रहा है, तो हो सकता है डीडी फ्रिडिज पर ही आपको देखने को मिले। इसके अलावा और भी कुछ चैनल्स हो सकते हैं जो कि आपको नए लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि रापचिक हो गया, ये भोजपुरी फिल्मों का चैनल है, डीडी फ्रिडिज पर पार्टिसिपेट करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ न्यूज चैनल्स हो सकते हैं जो कि डीडी फ्रिडिज पर आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल्स हो सकते हैं जो कि अभी तक ब्रॉडकास्टर से शुरू नहीं हुए लेकिन उनका आने का इरादा हो, और आने वाले समय में दोस्तों जल्द से हमारे पास रिपोर्ट आती जाएगी तो हम आपको सूचित करते जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जी अनमोल, स्टार प्लस, सोनी पल या कलेज रिश्ते की, तो उनकी तरफ से कोई भी सूचना अभी तक हमारे बीच नहीं आई है। हमें सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार करना ही होगा कि आखिर इन चैनल्स का क्या हुआ, क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया अभी या नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।